बेटी हो तो ऐसी, पिता का दर्द देखा नहीं गया तो बेटी ने कर दिया वेजिटेबल पिकर का आविष्कार। आसपास के किसान मनीषा के सस्ते बोली पर खरीद रहे हैं वेजिटेबल पिकर। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। यह कहानी नवगछिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड के सीमांत गांव सधुआ दियरा की सातवीं कक्षा की छात्र मनीषा की है। मनीषा के पिता उत्तम सिंह एक छोटे किसान हैं और पशुपालन के साथ साथ सब्जियों की खेती करते हैं। बैगन तोड़ने के क्रम में अक्सर मनीषा के पिता के हाथों में जख्म हो जाता था। जख्म में धीरे धीरे घाव का रूप ले लिया और उत्तम सिंह बैगन तोड़ने में असमर्थ हो गए। पिता के दर्द को देखते हुए 4 माह के अथक प्रयास से एक यंत्र का आविष्कार किया, जो मनीषा के पिता के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। मनीषा अपने इस यंत्र को सब्जी तोड़ने वाला मशीन कहती है, लेकिन मनीषा के स्कूल टीचर ने इस मशीन को नाम दिया है वेजिटेबल पिकर। कुछ सब्जियों को तोड़ने में किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सब्जी तोड़ने की समस्या को बिना किसी परेशानी के दूर करने वाला यह वेजिटेबल पिकर का नाम दिया गया है। मनीषा ने प्लास्टिक के डंडे में स्प्रिंग कैंची और लोहे को अलग अलग आकार में काट कर इस यंत्र में सेट किया। साथ ही हाथ के पास 2 बटन भी है। एक बटन दबाते ही यह यंत्र पौधे में लगी सब्जी को काट कर पकड़ लेता है और फिर दूसरी बटन दबाते ही यह यंत्र सब्जी को छोड़ देता है। आपको बता दें कि यह यंत्र कई तरह की फल और सब्जियों की तोड़ाई कर सकती है। मनीषा से यंत्र बनवा रहे हैं आसपास के किसान। मनीषा ने कहा कि एक यंत्र बनाने में 250 से 300 रुपये खर्च आता है। उनके गांव के किसान जो भी उनके पास आते हैं वह उसे लागत खर्च में ही मशीन बनाकर दे देती है। मनीषा ने कहा कि खासकर बैगन की खेती करने वाले 15 किसानों ने उनसे यह यंत्र बनवाया है। बनाने में 4 से 5 दिन का वक्त लगता है। जब बेटी ने यंत्र दिया तो आंखों में आ गए आंसू। जब बेटी ने पिता के हाथों में यंत्र दिया तो पिता के आंखों से अश्रुधार बहने लगी। मनीषा के पिता उत्तम सिंह ने कहा कि वह लगातार 4 माह से यंत्र बनाने का प्रयास कर रही थी, अपने भाई से सामान भी मंगवा रही थी। वे जब भी मनीषा को इस तरह का काम करते देखते तो उन्हें गुस्सा आता था, लेकिन एक दिन जब बैगन के खेत में मनीषा ने अपने यंत्र से बैगन तोड़ना शुरू किया और उनसे कहा कि पापा यह आपके लिए है, यह सुनकर उनके पिता की आंखों में आंसू आ गए। मनीषा अपने 6 भाई बहन में 3रे नंबर पर है। मनीषा की माँ सोनम देवी गृहिणी है तो उत्तम सिंह भैंस का पालन करते हैं और मुख्य रूप से बैगन की खेती करते हैं और खुद कुर्सेला सब्जी हाट में बैगन भी बेचने जाते हैं। इंस्पायर अवार्ड में जिला स्तर पर हो चुकी है चयनित। मनीषा का चयन अवार्ड के पहले चरण में हो गया है। वह अपने आविष्कार के बल पर जिला लेवल तक पहुंच गई है। उम्मीद है कि वह आगे कुछ अच्छा करेगी। आपको बताते चले कि प्रमुख करेंगे सम्मानित। रंगना चौक प्रखंड के प्रखंड प्रमुख संजीव कुमार यादव प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि मनीषा के उक्त यंत्र का आविष्कार कर प्रखंड का नाम रोशन किया है, जल्द ही मनीषा को सम्मानित किया जाएगा। तो बहुत अच्छा लगता है, सब आदमी जो है आपके बेटी का तारीफ कर रहा है, तो अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा वाली की बात, बहुत अच्छा लग रहा है। उसको बाजार से ला के और लोहार से बनवा के दिए तो इसको सेट नहीं हुआ सर, फिर बोला कि नहीं हुआ सेट, फिर बना के दीजिए हमको। हम इसके ऊपर गुस्सा भी हो गए सर कि क्या तुम बार बार हमको कहते रहते कि ये लाओ वो लाओ, ये सेट नहीं होता वो नहीं होता है सेट। तब इसको हम जो है कि साथे मिले गए सर कुर्सेला लोहार के पास, तब इन्होंने ये कागज़ पे नक्शा बना के दिया लोहार को कि हमको इस ढंग का जो है कि घोड़ा बना के दीजिए। तब ये उसको समझाया, उस ढंग से घोड़ा बना के दिया तो उसको उसमें सेट किया सर। तो यही मशीन बनाया है, तो बना जब लिया तो इससे जब ये बैगन तोड़ने लगी तो सही काम करने लगा। हम भी इससे लेके बैगन तोड़ते हैं तो जो है कि अच्छा लगा तोड़ने में, तो हमारा भी मन जो है कि भीतर से कुछ गदगद हो गया जो है। मनीषा कुमारी का वर्ग शिक्षक
के साथ साथ फोकल शिक्षक हूँ। ये जो इंस्पायर मानक अवार्ड 2020 का जो केंद्र सरकार का जो योजना था, इस योजना के अंतर्गत क्लास से अपने स्कूल से 5 बच्चों को चयनित करने के लिए किया गया था, जिसमें कि एक मनीषा कुमारी जो हमारे ज़िले पर अभी चयनित हुई है और मनीषा वर्ग 7 की छात्रा हैं। इन्होंने जब पहली बार हमारे पास पहुंचा कि सर हम इस चीज़ का खोज करेंगे और इस चीज़ को बनाने जा रहे हैं, तो मुझे भी आश्चर्य लगा कि बच्ची क्या बोल रही है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा। इसकी बातों को मैंने पहले अच्छी ढंग से गौर से देखा कि इसे आखिर कहना क्या चाहती है। उसके बाद हमको लगा कि कुछ तो नया अन्वेषण है और इसको एक मौका देना चाहिए। पहले इग्नोर करते थे, इग्नोर के बाद मैंने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट के बाद मैंने जो इसका रिजल्ट देखा, उसी का परिणाम है कि भालपुर ज़िले में आज ये चयनित हो चुकी है। इस बच्चे पर गर्व है हम लोगों को, हम सभी शिक्षक बहुत बच्चे को ये जो चयनित हुआ इसके लिए बहुत बहुत उसको धन्यवाद दिए। और लगातार हम लोग ये सोच रहे हैं कि इसके बाद जो इस प्रोजेक्ट को आगे यदि पटना के लिए चयनित करवाना है उस पर भी हम प्रयास लगे हुए हैं, ताकि हमारे बच्चे जो हैं और इस पर अधिक से अधिक कार्य को कर सकें और अधिक से अधिक ये ऊपर जा सकें। इसके लिए हम लोग रात दिन निरंतर इसके ऊपर जो है ना, अभी भी कोरोना काल में भी कोविड-19 का जो है ध्यान रखते हुए, प्रोटोकॉल कोविड-19 का ध्यान में रखते हुए अभी उस पर उसको सहयोग दे रहे हैं, उसको कुछ बता रहे हैं, उसको कुछ सिखा रहे हैं, ताकि बच्ची और नाम रोशन करे, जिससे कि हमारे नाम के साथ साथ माता पिता का नाम रोशन करे, साथ साथ हमारे विद्यालय का, हमारे ज़िले का, हमारे राज्य का नाम रोशन करे। आपका नाम हो गया सर? मेरा नाम हुआ राकेश रोशन, प्रखंड शिक्षक मध्य विद्यालय चापर दिया रहा। शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। वही मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। वही मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787, 7325052443।